थैंक यू फ्रेंड्स, मीडिया में प्रिंट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी ईस्टर्स। मैं सबको हैप्पी ईस्टर्स का विश करना चाहता हूँ। आज एज यू ऑल नो वॉज द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग एंड कैंपेन खत्म हो चुका है एंड एज इट इज कस्टमरी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे INPT के अलायंस पार्टनर रास्ते में जगदीश देवर्मा थोड़ा डिले हो चुका है। ही विल होपफुली ज्वाइन द प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक ये चलना है। मैं सबको एक बात कहना चाह रहा था कि ये इलेक्शन मैं सबको अपील करना चाहता हूँ क्योंकि इलेक्शन का कैंपेन खत्म हो चुका है। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आई होप कि जो पोलिंग डेज होगा उसमें वायलेंस नहीं होगा। वी डोंट वॉन्ट वायलेंस। मैंने सबको अपील किया है हर पॉलिटिकल पार्टी से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी, कि आप वायलेंस में इंडल्ज मत कीजिए, शांति से अपना डेमोक्रेटिक राइट्स एक्सरसाइज कीजिए। ये TTEDC इलेक्शन में इतना मोटा INPT और हमारे जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं उनका हमारा पूरा एजेंडा में हमने पीसफुली कैंपेन किया है। मैंने खुद एक पॉजिटिव कैंपेन का प्रचार किया है। हमारे कैंपेन में हमने किसी को अटैक नहीं किया, हमने अपना लाइन में ही अपना पॉलिटिक्स किया। इलेक्शंस 6 तारीख को है। इससे पहले बहुत इलेक्शंस हुए जिसमें वायलेंस हुआ। मैं वायलेंस इलेक्शन में त्रिपुरा में नहीं चाहता हूँ। एज अ कल्चर इट इज रॉन्ग, इट शुड नॉट हैपन। और ये मेरा क्लियर मैसेज है सबको, इलेक्शन कमीशन को, कि आप गुंडे, माफिया, क्रिमिनल एलिमेंट्स को जगह मत दीजिए, क्योंकि जब ये होता है तो हमारा छवि खराब होता है। सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में क्या वायलेंस हुआ है, सब जानते हैं कि पंचायत इलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, और हम नहीं चाहते हैं कि TTEDC इलेक्शन में कोई वायलेंस हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जो भी पब्लिक डिसाइड करेगी वो हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को मानना चाहिए। उसके बाद हमें वापस नॉर्मल जिंदगी में भी जाना है और अपना काम भी करना है। इसके लिए एक दिन का वायलेंस पूरा स्टेट का छवि को खराब करता है अक्रॉस द कंट्री, और मैं ये नहीं चाहता। तो मैं अपील करता हूँ इलेक्शन कमीशन को, स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को, CRPF को, कि अच्छे तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेट द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड TTEDC डिसाइड हु इज द बेस्ट पार्टी। दूसरा बात है कि ये एक दो क्वेश्चंस उठ रहे थे रिगार्डिंग अपना फ्यूचर ऑफ त्रिपुरा मोर्चा। हमारा आज थानचा हुआ है विद ऑल रीजनल पार्टीज। एक कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग पतालकनिया। पतालकनिया इज अ पार्ट ऑफ द अलायंस। सिर्फ 5 सीट में वो खुद लड़ रही है। उसका सिंबल है डायमंड, हमारा सिंबल है अनारस। उस सीट में त्रिपुरा मोर्चा भी लड़ रही है और अपने मजबूत दम में लड़ रही है। पताल अपने दम में लड़ रहा है, लेकिन पताल ने 17 सीट में विड्रॉ किया है। मैं वेलकम करता हूँ उनका वो पोजिशन, और हमारा बात भी हुआ है कि जब अगर हम पावर में आएंगे तो हम उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन का पार्टनर बनाएंगे थ्रू नॉमिनेशन। INPT के संग विजय रांखोल को मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है जो ऑनेस्टली डायरेक्टली बात करता है, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करता। और विजय रामपाल का जो एफर्ट्स रहा है फॉर दिस अलायंस वो इज कमेंडेबल। मेरा इज्जत उनके लिए इस इलेक्शन के बाद और बढ़ा है। चित्तू देवर्मा ने अपना पार्टी TSP अपना रजिस्ट्रेशन हमको दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, और उन्होंने सिर्फ अपने ही सीट पे, वो एक सीट पे लड़ रहे हैं, और उन्होंने जो बड़ा दिल दिखाया है एंड सैक्रिफाइस किया है फॉर भांचर, आई वेलकम इट। और मैं उनका भी इस लास्ट डे ऑफ इलेक्शन में आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रीटिंग्स। बुद्धदेव वर्मा ने भी यही किया है अपने IPF की टिप्रहा से विनय देव वर्मा के साथ। उसके बाद TYPC है, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। हमारा यहाँ में त्रिपुरा क्षत्रिय समाज है, वो उन्होंने पहले बहुत बड़ा रोल प्ले किया था टू गेट द मीटिंग विद NC देवर्मा एंड IPFT के संग अलायंस।
वो नहीं हुआ, तभी भी क्षत्रिय समाज ने बहुत की रोल प्ले किया है दिलीप देव वर्मा के थ्रू. अब वो एडवाइजर है, ही वॉज अ प्रेजिडेंट एंड उन्होंने भी अलायंस के लिए बहुत हेल्प किया. और इसको छोड़ के बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स रुई बदल हो, AIMTC हो विच इज अ पोलिटिकल पार्टी, और शंकराक बदल हो, बहुत आए और हमें सपोर्ट किया. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम इन दिस इलेक्शन. ये इलेक्शन बहुत अलग रकम का इलेक्शन है, ये वेव का इलेक्शन था. और ये वेव में मुझे लगता है कि त्रिपुरा मोथा, IMPT एंड ऑल द अलायंस पार्टनर्स, हम लोग पावर में आएंगे ऑन आर ओन. हमें कोई बाहर का सहायता का दरकार नहीं, ये मेरा 100% कॉन्फिडेंस है. मैंने सोशल मीडिया में देखा है एक या दो ओपिनियन पोल्स जो कोई IT सेल के लोग चला रहे हैं. वो IT सेल के लोग जो चला रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कोड वायलेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपिनियन पोल्स आप इलेक्शन के पीछे चला नहीं सकते, और सेकेंड ऑफ ऑल, फेक फोटोज को मॉर्फ करके आप अगर सोशल मीडिया में डालेंगे तो पब्लिक सब जानती है, आपके ऊपर हंसते हैं, ये सब मत कीजिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं स्टेट गवर्नमेंट और हमारे पुराने पार्टी कांग्रेस पार्टी को भी एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ. हमारा जो स्ट्रगल है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं. हम त्रिपुरा के बारे में बात कर रहे हैं, 19 के बारे में बात कर रहे हैं. हमने इस इलेक्शन कैंपेन में ना पर्सनली विप्लव देव को अटैक किया, ना जिष्णु काका को अटैक किया. क्यों अटैक करें, वो मेरे काका हैं और मैं ये एक सम्मान रखता हूँ कि पर्सनली मैं अपने काका के ऊपर एक शब्द नहीं दूँ. मैंने ना मानिक बाबू के ऊपर एक अटैक किया, ना जितेंद्र चौधरी जिसने मेरे माँ के बारे में कुछ कहा है, मैंने उनके खिलाफ भी एक शब्द नहीं कहा. हमारे कांग्रेस में आज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरे खिलाफ हो चुका है स्टेट में, दिल्ली में तो मुझे नहीं लगता कि मेरे खिलाफ है. लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया है, लेकिन हमने उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला. रहा बात IPFT, NC बाबू के खिलाफ भी मैंने अपने पूरे कैंपेन में एक शब्द नहीं कहा, ना कि मेवाड़ में. और हमारे पार्टी में भी एक दो लोग हैं जो शायद एक दो स्टेटमेंट्स गलत करते हैं. मैं इसके लिए चाहता था कि जगदीश देवर में यहाँ गया, लेकिन रिगार्डिंग अलायंसेस, कोई भी अलायंस पार्टनर हो तो अलायंसेस के बारे ओनली आई एम ऑथराइज टू टॉक अबाउट अलायंस एंड नोबडी एल्स. तो आज के दिन हमारा अलायंस विथ ड्यू रिस्पेक्ट है विथ चित्त बाबू TSP एंड वी आर द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वन पार्टी विथ IPFT तीपराहा वी आर गोइंग टू बिकम वन पार्टी विथ IMPT. मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर इलेक्शन के बाद हमने एक अटेम्प्ट किया कि IMPT और त्रिपुरा मोथा भी एक सिंगल पार्टी हो जाए. मैंने विजय बाबू से बात किया है, लेकिन ये उनके ऊपर है, उनका भी अलग पार्टी है, टू टेक द डिसीजन. मेरे तरफ से मैं बहुत कीन हूँ कि हम एक सिंगुलर पार्टी बन जाए. रिगार्डिंग पकड़ करनी है, मैंने फिर से कहा है कि किसी को पकड़ करनी है और मेरे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है उस पर कॉमेंट करने का दरकार नहीं. पकल करनी है 17 सीट में उन्होंने विड्रॉ किया हमारे लिए, इट इज अ वेलकम, और 5 सीट में वो लड़ी, इट इज अ राइट, शी हैज अ ओन पोलिटिकल पार्टी, लेट हर फाइट, वो पब्लिक डिसाइड करेगी. लेकिन अलायंस पकल करने के संग हुआ है 17 सीट में, ये मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ. और किसी को नोबडी शुड बी स्पीकिंग ऑन एनी अलायंस बिटवीन मी, IMPT, तीपराहा, पाताल कन्या और एनीवन, ये मेरा क्लियर मैसेज है. फाइनली आई होप दैट मीडिया, आजकल मीडिया भी थोड़ा सा प्रेशर में रहती है कि ओनली अबाउट रूलिंग गवर्नमेंट कहानी करे. मैंने ADC में तो यूट्यूब में सोशल मीडिया में तो बहुत देखा है, मुझे सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैं अगरतला के मीडिया को, जो प्रिंट मीडिया है, जो अगरतला बेस्ड मीडिया है, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक जो प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ कि त्रिपुरा मोथा इज ओनली स्पीकिंग अगेंस्ट और स्पीकिंग फॉर वन कम्युनिटी, नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट अनदर कम्युनिटी. हमने आज तक ना किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात किया है, ना किसी रिलीजन के खिलाफ बात किया है. हम लोग वी आर अ ट्रूली सेक्युलर पार्टी विच बिलीव इन गेटिंग इट एवरी वन एंड वर्किंग टूगेदर विद एवरी वन. क्योंकि हमने इंडिजिनियस लोगों के बारे में बात किया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, और स्पेशली किसी धर्म के खिलाफ किसी के खिलाफ. ये मेरा क्लियर पॉइंट है. इफ देर इज एनी क्वेश्चन प्लीज, वी आर मोस्ट वेलकम टू आस्क.
आपको तो बहुत सारा प्रतिदिन क्या रेस्पॉन्स मिला है आपको, आपको कितने उम्मीद है कितने सीट आपके करोना? हम लोग फुल मेजोरिटी में खुद आएंगे 100% वी विल गेट अ मेजोरिटी ऑफ आवर हम और हमारे अलायंस। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट, हम ये इलेक्शन में सब जगह में टिकरा मोथा ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है कैंपेन में, और हमने बहुत उनसे काम शुरू किया था, और हमारा ग्राउंड लेवल में आप देखेंगे यहाँ में मेरे साथ टोनी देवर्मा, ही इज अ सिंपल वर्कर ऑफ टिकरा मोथा, हमने इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभाल लिया। यहाँ में दिलीप बाबू, ही इज जस्ट कमिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, हमने इनको संभाल लिया। टिकरा मोथा में हमने सबको स्पेस दिया। आप अगर हमारे कैंडिडेट्स देखेंगे, कैंडिडेट्स में भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर बिलो द एज ऑफ 35। इनफैक्ट मैं आई एम अ ओल्ड कैंडिडेट, आई एम 42। हमने एजुकेटेड पीपल को चांसेस दिया है, हमने ग्रेजुएट्स को चांस दिया है, और हमने फ्रेश फेसेस को चांस दिया है। मैक्सिमम सीट्स में ऑलमोस्ट 80-85% सीट्स में हमने ऐसे लोगों को सीट्स दिया है जो जिंदगी में पहले बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और उनका फैमिली भी पोलिटिकली कनेक्टेड है। तो ये अलग अलग का तरीके से हमने इलेक्शन किया। देखा गया है दिल का खराब हो जाना, बीच में वोटिंग चलने के बीच में दिल खराब हो जाना, तो आपको ये दिल के बारे में क्या कहना है? ईवीएम तो पूरे इंडिया में खराब होता है, ईवीएम तो मशीन है। जब इंसान खराब हो जाता है, जब किसी का सोच खराब हो जाता है, तो ईवीएम तो मशीन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में हमें कुछ प्रॉब्लम है, और ईवीएम परसों मालूम पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं शुरू से कंप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि ये खराब है वो खराब, मैं ऐसे राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो आराम से पोलिंग स्टेशन जाए, वो वोटिंग करे, और उनके ऊपर कोई गुंडा या कोई दबाव ना दिया जाए। बस अगर उनको बीजेपी के लिए वोट करना करे, सीपीएम के लिए वोट करना करे, मेरे लिए वोट करना करे, मैं ये बात नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और शांति से। उनका मानना है कि इलेक्शन कमीशन खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पीपल्स को ये बताता है जो निश्चित रूप से वोटिंग कर सके, तो आप तक क्या? आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। मैंने सुना नहीं, क्योंकि सीपीएम ने बोला तो मैं अपोज करूंगा, ये नहीं। वाई शुड आई अपोज? अगर अच्छा सजेशन है तो क्यों नहीं। आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन, आई थिंक येस। अगर ये उन्होंने कहा है, आई वेलकम इट। आई थिंक ये मुझे भी कहना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि हम फ्री फेयर इलेक्शन चाहते हैं, तो अच्छा मैसेज जाएगा फॉर ऑल पीपल इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अच्छा, दिस इज अ गुड सजेशन। जस्ट बिकॉज सीपीएम से आया, ये मतलब नहीं कि मैं अपोज करूँ। सर, कुछ दिन पहले सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था जो त्रिपुरा में सीपीएम को अनर्स के द्वारा स्ट्रॉन्ग हो जाता हो सकता है, अनर्स के इसके मतलब क्या है? अनर्स के साथ सीपीएम का कोई मिले जुड़ी ऐसा ही किया है? रैलिटी में बोला, फिर बोला अनर्स के द्वारा सीपीएम को मतलब आपको ये बयान साफ हो गया? शायद वो अनर्स के बारे में बात करते हैं, हम इलेक्शन के बारे में बात करें। देखियो, जिष्णु काका इज अ जेंटलमैन, इज अ गुड मैन, भद्र लोग। एंड मैं जिष्णु काका के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँ, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, इलेक्शन है, वो भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, मैं भी इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ, हम लोग एक संग नहीं, एक पार्टी में नहीं, तो प्रेशर रहता है। कुछ ऊपर से प्रेशर आता होगा, लेकिन वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा त्रिपुरा जानता है कि सीपीएम और हमारा फैमिली का पहले से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो भी इस पूर्व जिष्णु काका ने भी बहुत सफर किया, हमने भी सफर किया। तो ये अगर मुझे इस पैलेस पे रहना है, तो सबसे पहले निकालने वाला इस पैलेस से मुझे तो सीपीएम ही है। तो ये कैसा हो सकता है? सीपीएम का इनफैक्ट जो अंडरस्टैंडिंग है, वो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ हुआ, आसाम में कांग्रेस के साथ हुआ, बिहार में कांग्रेस के साथ हुआ। तो शायद कांग्रेस और सीपीएम को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर आपका अलायंस है, तो यहाँ में क्या बात चल रहा है? ये आई थिंक कांग्रेस और सीपीएम को अलायंस होना चाहिए। और रहा बात बीजेपी का, बीजेपी के साथ हम अलायंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सीए के खिलाफ फंडामेंटल अपोजिशन है,
हमने एक दो डिमांड मांगा है और जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नहीं मानता है हम उनसे बात नहीं करेंगे। सर, आप वायलेंस के खिलाफ अभी सबको बोल रहे हैं, हम लोग देखते हैं जब भी कोई वोटिंग होती है तो वायलेंस होता है, इसलिए आप लोगों ने क्या? देखो, अगर कोई भी मेरे पार्टी से वायलेंस में इन्वॉल्व होता है मैं खुद उनको पुलिस के सामने सौंप दूंगा। मैं वायलेंस नहीं चाहता, ये जो कल्चर है वायलेंस का, वही क्रिमिनल्स जो एक टाइम सीपीएम में थे, उससे पहले कांग्रेस में, उसके बाद बीजेपी में आए, तब आईपीएफटी में गए, शायद पिपरा पाखा में भी आ सकते। लेकिन अगर मैं एज ए लीडर माफिया को चांस दूँ तो मुझ में और दूसरे लीडर में क्या चेंज होगा? तो आई डोंट वॉन्ट टू इंटर्नशिप का, मैं ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। मैं क्रिमिनल्स को, क्योंकि ये क्रिमिनल्स का कोई पार्टी नहीं होता, जो पावर में आएगा वो उनके संग जुड़ जाएगा, तो मैं अपने पार्टी के संग भी नाइंसाफी करूंगा अगर मैं ऐसे लोगों को लाऊं जो खराब दिन तक हमारे संग नहीं थी, जब हम पावर में आ रहे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सर, एक कांग्रेस आपका खिलाफ नहीं, लोकल कांग्रेस, राहुल गांधी का तो मैं अभी भी फोन करके बात करूँ। आपको कांग्रेस में प्रेसिडेंट देखा और बहुत कुछ किया, हम भी देखा, तो आज अगर आपके खिलाफ होने का क्या मजा है? इलेक्शन है, नहीं इलेक्शन है। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, पाताल कन्या और हम एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं इन अलायंस, ठीक है, 5 सीट में अलायंस नहीं, लेकिन तभी भी तूतू में ग्राउंड लेवल में होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये तूतू में ग्राउंड लेवल से लीडर लोग करें ऊपर। अगर समझिए कि हमको अगर उनको एक सीट मिला, वो भी हमारे संग पावर में आएगा, एक सीट भी अगर वो जीतता है तो हमारे संग गवर्नमेंट में रहेगा। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस का, कांग्रेस मुझे अटैक नहीं करती, आपको अटैक करना चाहिए जो कांग्रेस के विरुद्ध है। मैंने तो आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, और राहुल गांधी भी मेरे खिलाफ आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये जो लोग अटैक करते हैं वो लोअर लेवल लीडर्स है, उनका मेच्योरिटी नहीं है, थिंकिंग नहीं है। कल एक फोन आ जाएगा, तब यही लोग सामने में फूल लेकर मेरे घर के सामने आ जाएंगे, तो इनको इम्पोर्टेंस मैं नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ, मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने मुझे अटैक करके शायद अपने ऊपर ही नुकसान किया, क्योंकि असेंबली इलेक्शन के पहले कांग्रेस का वोट शेयर था 1.8%, जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना तो इट वेंट अप ऑलमोस्ट टू 30%। आज ये एडीसी इलेक्शन के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस का वोट शेयर अब कहाँ है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सर, आपको इतना दिन घुमाए गांव गांव में घुमाए, तो ये अभी लोगों का मुंह, लोगों का क्या मिला, लोगों से बात कर, लोगों को खांचा चाहिए। लोग चाहते हैं कि विजय रामपाल, प्रद्योत माणिक्य, चित्तू बाबू, बुद्धो बाबू, पताल कन्या, एनसी देवर्मा, मेवार, सब एक संग होकर एक आवाज में अपने जमीन के बारे में बात करें। और एक्चुअली हम सब एक ही आवाज में बात कर रहे हैं, लेकिन अलग प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद मैं मेवार को भी निमंत्रण दूं, एनसी को भी निमंत्रण दूं, पताल तो अपना संघ है ही, मैं उसको तो लाऊंगी अपने गवर्नमेंट में, और उसको छोड़ के मैं विजय रामपाल और हम भी एक पार्टी होने का हम बात करेंगे। मैं वो उनका डिसीजन होगा, उनका पार्टी का डिसीजन होगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में हम लोग एक आवाज में एक ही पार्टी बन के आए तो और भी अच्छा। मोस्ट वेलकम, दिल बड़ा होना चाहिए मैडम, दिल बड़ा होना चाहिए, मोस्ट वेलकम, आने दीजिए। मैं अगर उनको सीट, एक सीट भी नहीं मिलता है, कभी भी मैं उनको जोनल चेयरमैन है, चेयरमैन है, जो भी हो, मोस्ट वेलकम, उनके एमएलए बहुत हैं, मोस्ट वेलकम तो कम। मैं क्यों आईपीएफटी से दुश्मनी करूं? आईपीएफटी से जो सीट शेयरिंग बात नहीं हुआ, जो अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि उनको बीजेपी के संग जाना पड़ा, उनके ऊपर कंपल्शन था। मैं समझ सकता हूँ कि वो गवर्नमेंट में है, वो सरकार में है, दो मंत्री है उनके साथ, उनके ऊपर प्रेशर आया होगा कि वो पिपरा मौथा के संग ना जाए, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया।
मैं इसके लिए तो वो 28 के 28 सीट पे अकेले नहीं लड़े, उन्होंने कहा था वो 22 सीट में लड़ेंगे, आखिर में तो वो सिर्फ 16 सीट में लड़े, उसमें भी 3 सीट में फ्रेंडली फाइट है, मतलब कि रफली 14 या 13 सीट। ठीक, तो मैं समझ सकता हूँ कि IPFT के ऊपर बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, बहुत प्रेशर आया होगा, तो मैं मेरे अंदर में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। अगर उनको आना है, जैसे कि मैंने कह दिया है, पाताल को मैं लाऊंगा, विजय बाबू तो पार्ट है ही, चित्त बाबू तो पार्ट है, बुद्ध बाबू पार्ट है, इफ IPFT वॉन्ट्स टू कम मोस्ट वेलकम, मैं कभी नहीं उनको बोलूंगा ना। सर अभी तो बीजेपी और मुझे नहीं लगता कि हमको बीजेपी के साथ जोड़ करना पड़ेगा, हमको लगता है कि हम खुद अपने बलबूते में 100% पावर में, मुझे नहीं लगता कि हमको कोई अलायंस करना, शायद ऐसा हो, शायद नहीं होगा, ये क्लीन स्वीप है, मुझे नहीं लगता। और सिर्फ ओ जगदीश बाबू इसका गुड से माई से आई एम वेरी थैंकफुल टू माई अलायंस पार्टनर, मैं क्योंकि जगदीश बाबू अभी आए हैं IPTC से, मैं एक बात बोला। अच्छा महाराज, मेरा एक दूसरा सवाल था, कल कांचनपुर में एक गर्ल को डेड बॉडी मिला रात को, तो फिर शी इज अ स्टूडेंट एंड 19 ईयर ओल्ड एज, तो आज वहाँ पे कांचनपुर थाना घेराव कर रहा है, इस विषय में आपका क्या मत है? मुझे लगता है कि कोई भी मर्डर हो, कोई भी कम्युनिटी का मर्डर हो, चाकमा हो, रियांग हो, बंगाली हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और मर्डर को मर्डर की तरह ट्रीट करे, ना कि एक इसको कम्युनिटी इंस्ट्रूमेंट। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इट्स द ओल्डेस्ट पार्टी त्रिपुरा IMPT एंड अदर पार्टीज इंक्लूडिंग माई पार्टी, लीडर्स इन माई पार्टी शुड ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ IMPT एंड रियलाइज दैट वेन यू आर सच एन ओल्ड पार्टी, कितना हम्बल रहे हैं, कितना ग्रेशियस रहे हैं, इनका पूरा ये जो इलेक्शन है ये कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, दिस इज बीन अ परफेक्ट अलायंस बिटवीन IMPT एंड त्रिपुरा, एंड ये दूसरे लोगों के लिए जो इसको प्रॉब्लम होता है, ये उनके लिए एक मिसाल है कि कैसा दो पार्टी। कल मैं विजय राघवल के प्रोग्राम में गया था, जगदीश बाबू के प्रोग्राम में मैं दो बार गया, ये एक मिसाल है कि खांचा तब होता है जब हम एरोगेंस को, ईगो को और अहंकार को अलग रख के राजनीति करते हैं। फॉर द पीपल, जगदीश बाबू से कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। রাজ্য ভূমিপুত্র জনগাতে একটা স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে আজকে বড়বাকে পাশে এবং অন্তরে নিয়ে নিয়েছি। এই অবস্থা দেখে শাসক দল ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, সমগ্র এদেশে 28টা কেন্দ্রে ভয় ভীতি হুমকি এখনো চলছে, গতকালও চলছে, আজকেও চলবে, আগামীকালও চলবে। তারপরেও আমাদের বিশ্বাস গোপালের দিকে নজর রেখে এদেশি এলাকার প্রায় 8.5 লক্ষ ভোটার নির্বাচক মন্ডলী, অধিকাংশ নির্বাচক মন্ডলী গোপালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গোপালের কর্মকর্তা এবং IMPT যে জোট, এই জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জড়িত। আমি একটা মেসেজ দিতে চাই, সন্ত্রাস জনগণকে রুখতে পারবে না, নির্বাচনে সব থেকে বড় শক্তি হচ্ছে জনশক্তি, শাসক দলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনশক্তি লড়াই করছে, আমরা একটাও পাল্টা কিছু করিনি, কিন্তু চলছে। এখন আশা রাখি নির্বাচনের দিনেও শাসক দল অনেক কিছু প্রচেষ্টা করবে, তার প্রশাসনিক সমস্ত কাজে লাগাবে এবং প্রচেষ্টা করবে, তারপরেও শান্তিপ্রিয় মানুষ পাহাড়ি বাঙালি মুসলিম এদেশি এলাকার সমস্ত নির্বাচন মন্ডলীরা একটা শাসক দলের সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করে নির্বাচন। লাস্ট পয়েন্ট রিগার্ডিং অ্যালায়েন্স, ये जो हम लोग का अलायंस हुआ है, IMPT इज फाइटिंग इन 5 सीट, चित्त बाबू इज अ पार्ट ऑफ त्रिपुरा मोर्चा बट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ TSP, शी इज फाइटिंग इन 1 सीट, I am fighting myself. Ganesh De Barma, IPFT से आया था, वो खुद फाइट कर रहा है, सिंधु कन्या फाइटिंग, और 17 सीट में पताल कन्या है विदड्रॉ,
candidates in favor of Tripura as a part of the alliance. 5 seats she is fighting in her own symbol. I am fighting in my own symbol, and the people of those constituencies will decide. But after elections, I would like everyone to be a part of the government, and I am inviting them. And if IPFT, even if they don't get one seat, they are most welcome to be a part of the government, because I want Hansa and I want unity for all the people and a clean, clean alliance. Thank you. Dhanyavad. Balai.